दोस्तों कैसे हो आप लोग। मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी बूहे बारियां की कलेक्शन रिपोर्ट पे। पहले वीकेंड का रिजल्ट सामने आ चुका है इसका। मूवी का मैंने रिव्यू भी किया था, नहीं देखा तो देख लो। काफ़ी अच्छे लेवल पे बनी विमेन ओरिएंटेड मूवी है, जो कि सिर्फ अपने कंटेंट और एक्टिंग के बेस पे बॉक्स ऑफिस पे, पंजाबी बॉक्स ऑफिस पे तहलका मचा रही है। बहुत ही अच्छी जा रही है मूवी, बहुत अच्छा ओवरऑल स्ट्रक्चर है मूवी का। नीरू बाजवा हो चाहे हो हमारे वेटरन एक्टर्स, क्या ही ज़बरदस्त एक्टिंग की उन्होंने मूवी में। डिटेल रिव्यू उधर जाके देख लेना, यहाँ पे सिर्फ नंबर्स की बात करेंगे। तो नंबर्स की बात करते हुए बात करें डे वन की, तो मूवी ने एवरेज 45 लाख रुपए का बिजनेस किया, जो कि एक डिसेंट नंबर है, क्योंकि मूवी की कुछ खास मार्केटिंग भी नहीं की गई थी और इसको सिर्फ एक ही रीजन यानी पंजाब में रिलीज़ किया गया था। तो उस हिसाब से सिर्फ और सिर्फ एक्टर्स की फेस वैल्यू पे इस मूवी को जो नंबर मिला वो मिला 45 लाख का। जैसे ही वर्ड ऑफ माउथ आउट होता है डे टू पे, ये मूवी सीधा जाती है 60 लाख पे, विच इज़ अ गुड ग्रोथ। तो क्योंकि मूवी काफ़ी अच्छी है, रिव्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, जैसे जैसे वर्ड ऑफ माउथ आउट होता गया वैसे वैसे मूवी की डे बाय डे कलेक्शन इम्प्रूव होती दिख रही है। डे थ्री पे 68 लाख रुपीज़ का बिजनेस इस मूवी ने किया है, जो कि अगेन एक बहुत अच्छा नंबर है, एक राइजिंग नंबर है। रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे आ रहे हैं मूवी को, काफ़ी एक्टिंग को सराहा जा रहा है एक्टर्स की। तो डे फोर पे एस्टिमेट लगाया जा रहा है 34 लाख के आसपास का। ऑब्वियसली वर्किंग डे है, थोड़ा नंबर गिरेगा, बट मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे मूवी की बात फैलती जाएगी, मूवी के नंबर्स बेटर होते जाएंगे। तो ओवरऑल 2.6 करोड़ का बिजनेस इस मूवी ने पहले 4 दिनों में किया है मिला के आज का। मैं ऑक्यूपेंसी की बात करूँ तो चंडीगढ़ में 7%, जलंधर 8%, लुधियाना 11%, मोगा 1%, काफ़ी लो है, अमृतसर 7% और पटियाला में 9% की जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी है इस मूवी की चल रही है, कि काफ़ी लो है। हमें पता है कि जायंट लाइक जवान और पंजाबी जायंट लाइक मस्ताने अभी भी थिएटर्स में हैं, और किसी नई मूवी को चांस मिलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। चेता सिंह भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके गई है। इन सब के बावजूद भी ये मूवी धीरे धीरे मुझे लगता है अपनी पेस पकड़ लेगी, क्योंकि अगेन हमें जो सीखना चाहिए दूसरी मूवी से, बॉलीवुड से, कि जो मार्केटिंग में हम लैक कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं नंबर्स पे रिफ्लेक्ट तो करता ही है। बट हाँ, ये है कि जब कंटेंट स्ट्रॉन्ग होता है तो धीरे धीरे आपकी मूवी पेस पकड़ ही लेती है। तो होपफुली नेक्स्ट वीक तक नंबर इम्प्रूव हो जाएंगे, बट हाँ हमें अगर मार्केटिंग पे थोड़ा और काम कर लें तो शायद ये नंबर बहुत ज़्यादा बेटर हो सकते हैं। की बात करूँ तो 1.72 करोड़ का बिजनेस इस मूवी से निकल के आया है नेट पहले 3-4 दिन के अंदर अंदर, जहाँ पे एक मैसिव जवान जैसी मूवी हो जिसने 800 करोड़ रुपए ऑलरेडी कमा लिए, उसके सामने एक मूवी, एक रीजनल मूवी को रिलीज़ करना और डिसेंट नंबर लेके आना भी अपने आप में काबिल तारीफ है। अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो देखो जाके, काफ़ी अच्छी एक्टिंग और काफ़ी लाइट हार्टेड एंटरटेनमेंट विद अ सोशल मैसेज मूवी है। तो ये है इस मूवी के अब तक के नंबर। मुझे लग रहा है कि मूवी के नंबर बेटर होंगे और एक डिसेंट कमाई करके जाएगी मूवी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ।